नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों फाइनली आज UPPCS का प्री का आंसर की आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज प्री का आंसर की आ चुका है ऑफिशियल। तो आप जिन्होंने नहीं मिलाया है वे मिला लें, और जो मिला लिए हैं वे अपना मार्क्स बताएं कितना लगभग उनका सही हो रहा है। दोस्तों तो ये जो की है, ये की ये बुलेट डी का मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो इसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि चार प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, चार प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। और इसमें से दो के जो आंसर हैं, दो क्वेश्चन के आंसर दो दो माने गए हैं। एक में बी और सी, ए बी और बी सी इस तरह करके माना गया है दो आंसर। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, और इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 146 में ही देखा जाएगा। और ये जो चार क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इसके नंबर किसी को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आरओ का भी जो एग्ज़ाम का आया है पीटी रिजल्ट, तो उसमें जो डिलीट हुए थे उसमें से किसी को नहीं मिले थे। बात वही लगभग पड़ता है, मिलते हैं तो सबको, नहीं मिलते तो किसी को नहीं। तो कट ऑफ मार्क्स या फिर जो एवरेज मार्किंग है, बात बराबर ही पड़ता है, लेकिन मार्क्स नहीं देता है, यानी वो 146 में ही कट ऑफ डालेगा यूपी। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। और दोस्तों आप लोग को अभी तक कोई भी आंसर डाउट लगा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, और 30 तक, ये 30 जनवरी तक आप भेज सकते हैं इसको। तो अभी आपके पास 7 दिन है, 7 दिन तक आप इसको भेजिए कि आप जो भी क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है। और सुनने में आ रहा है कि कई लड़कों का पेपर सेकंड का काफ़ी गलत हो चुका है, कोई अच्छे अच्छे लड़के वहाँ डेंजर जोन में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही, क्योंकि 1/3 जो मार्किंग था वो काफ़ी ज़बरदस्त इस बार नुकसान किया है सेकंड पेपर में कई लड़कों का। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए हैं। एक ये प्रश्न डिलीट किया गया है, तिरुपति का मंदिर जो है किस पहाड़ी में स्थित है। ये सबको डाउट था कि कौन सा आंसर होगा, कि इसमें शायद ऑप्शन कोई नहीं था, तो इन्होंने ये डिलीट ही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किया है कि कौन सा इसमें से सही है। प्राकृतिक आपदा है, सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में काम करती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, तो इसमें लगभग एक से ज़्यादा सही थे, तो उन्होंने इसको, इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया है कि ताकि कोई आपत्ति ना हो बच्चों के बीच। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं कौन से हैं। भारत सरकार द्वारा महिला एवं विकास बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। तीन क्वेश्चन ये हो गए। चौथे क्वेश्चन, ये भारत परियोजना, बाघ परियोजना, तो ये 73 था इसका आंसर, तो उन्होंने इसको ऑप्शन में ही नहीं डाला था, तो ये भी डिलीट कर गया। इस तरह चार प्रश्न डिलीट कर दिए गए, और दो प्रश्न के हैं जो आंसर दो दिया गया है। एक ये है, इसके आंसर सी और डी दोनों दिया गया है। कौन सी विदेशी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, तो नाना देसी और मनीग्राम दोनों इसका आंसर होगा। जो ये मार्कर है, मैक्सिमम लोग तो मनीग्राम मार्कर आए हैं, तो या फिर श्रेणी, लेकिन आंसर ये दोनों होगा। और एक और प्रश्न जिसके दो आंसर हैं, ये बी और सी, विविधता, ये भी काफ़ी कन्फ्यूज था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या कोरल रीफ, तो इसको दोनों आंसर माना है। तो ये आपके, अगर इसमें से कोई भी सही है तो आपके सही प्रश्न वो होंगे। तो दोस्तों ये कट ऑफ की बात कर लेते हैं लगभग कि कितनी कट ऑफ इसमें जा सकती है और कितने पे सुरक्षित हैं। तो दोस्तों कट ऑफ जो है मेरे ख्याल से इस पे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि 1/3 है निगेटिव मार्किंग, सबको पता है। और जनरल में अगर आप, जनरल अगर आप 78 से 80 ला रहे हैं तो आप सेफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पोस्ट अच्छा है इसमें काफ़ी, 1200 लगभग पोस्ट है। तो आपको लोग जो रिजल्ट देगा लगभग आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा, और 25-26 हज़ार के लगभग रिजल्ट देगा। ओबीसी का भी लगभग इसी के आसपास रहता है, यूपी में आप लोगों को पता ही, एक आध नंबर से ही आगे पीछे होता है, तो होता है, नहीं तो बराबर ही रहता है। तो ओबीसी का भी लगभग यही है। एससी और एसटी का देखते हैं। एससी का दोस्तों अगर आप 72 के आसपास है और एसटी में लगभग 70 के आसपास है, तो आपका हो जाना चाहिए। फीमेल का कट ऑफ जहाँ तक है, तो फीमेल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, तो उनका भी अगर 72-75 है तो उनका भी हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यही था एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को डाउट लगे तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें एक डाउट है, और आप 30 जनवरी तक, 30 जनवरी तक उसको भेज सकते हैं, तो आप ज़रूर भेजें। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह अपडेट के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।